येलो का स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो? बढ़िया। आप बहुत अच्छे। तो दोस्तों, सबसे पहले सभी को दिल से शुक्रिया, क्योंकि मेरे 3,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। तो आज हम जा रहे हैं 3K की सेलिब्रेशन मनाने, स्पेशली 3K का। और पता है कहाँ जा रहे हैं? वो देखिए पहाड़ों पे जो स्नोफॉल हुई है ना, इधर इस ये वाले पॉइंट इधर जाएंगे। ये जो दिख रहे हैं ना, ये वाले पहाड़, ये पिछले रात को पड़ी है स्नो, ये वाली देख सकते हो आप इस साइड, ये सारी। दोस्तों हमें पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग जाएंगे, आराम से आराम से। 4 नहीं तो 3 घंटे तो लग जाएंगे वहाँ पहुँचते जहाँ पे स्नो पड़ी है। तो टाइम हो चुके हैं 11, तो लगभग 1-2 बजे तक पहुँच जाएंगे लगभग। तो चलते हैं आगे। अभी हमारे साथ ज्वाइन होंगे आज के ट्रैक पर अनमोल जी और कुलदीप जी, वो पदरगाँव में मिलेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कलकुंडी में अभी, और 1 घंटा हो गया चलते चलते। ये कलकुंडी नागराज जी, इनके दर्शन कर लीजिए आप, और साथ में हैं अनमोल जी। ओ भाई मेरे, वाह, इनको याद है डायलॉग, समझो तो भाई का है। आगे का नज़ारा दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं, फिर चलते हैं आगे। ये देखिए बस बर्फ उधर बच रही है, 1 घंटे का सफर है लगभग, वहाँ जाना है। और ये कलकुंडी में पहुंच चुके हैं, और दर्शन कर लीजिए आप सबसे पहले। जय नागराज जी। चलते हैं अब आगे। ये देखिए दोस्तों, तो अभी हमें मिल चुकी है लिफ्ट, और हम लिफ्ट तो छोड़ते नहीं, आपको पता है। कलकुंडी से मिली है ऊपर कड़ू तक। ये देखिए पीछे अपने भाई की है, तो शुक्रिया इनका। और अनमोल वगैरह वो पीछे लास्ट में चल रहे हैं, अभी बहुत पीछे हैं, रुके हैं, आराम कर रहे हैं उधर, उनका वेट करेंगे ऊपर गड़ू में जाके हम। तो दोस्तों जंगल की स्टार्टिंग हो चुकी है, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और राउंड आधा पौना घंटे में बर्फ़ मिल जाएगी हमें आगे अकिंद्र में। तो मिल जाएगी, जितनी मिलेगी पर मिलेगी ज़रूर बर्फ़ इस साल की, फ्रेश स्नोफॉल है। तो ये देखिए पीछे फ़ोटो शूट चला है, चलते हैं आगे आगे और इन्जॉय करते हैं सफ़र का। ये हसीन वादियाँ, आहा कहाँ आ गए हम। ये देखिए दोस्तों अकिंदर के पीछे ही हमें बर्फ़ मिलना स्टार्ट हो चुकी है, अभी तो ये थोड़ी थोड़ी है, आगे बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। चलते हैं आगे। वो देखिए दोस्तों बर्फ़ खाने के लिए स्पेशली आया है बंदा घर से, एक हमीरपुर से आए और एक पद्धर से, क्या बात है, एंजॉय द ट्रैक। ये देखिए दोस्तों, तो सामने का नज़ारा खूबसूरत, और यहाँ पे पड़ी थी फ्रेश स्नोफॉल, ये देखिए इस साइड है, इस साइड ख़त्म हो गई है। और ये देखिए सच पास रेंज देखिए ना, ये वाली अल्टीमेट बर्फ लदी हुई है, और अकिंद्र में हम पहुंच चुके हैं अब। ये देखिए दोस्तों, तो बर्फ़ मिलना स्टार्ट हो चुका है, तो अकिंद्र से हम थोड़ा सा आगे निकल पड़े हैं, हम जाएंगे थोड़ा आगे तक। और देखिए साथ में भेड़, ये देखिए क्या जिंदगी होती है गद्दी भाइयों की भी, आप देख सकते हो रोज इन खूबसूरत वादियों के साथ, और अल्टीमेट ये देखिए ये बर्फ़ है ऊपर। चलते हैं आगे तक, थोड़ा जाते हैं जहाँ थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, वहाँ से फिर आ जाएंगे वापस से। तो दोस्तों आज का केक कट चुका है हमारा 3K स्पेशल का, ये देख सकते हो बर्फ़ पे अल्टीमेट 3K सब्सक्राइबर, ये देखिए 3K स्पेशल लिखा है। तो बर्फ़ मिलना तो स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा आगे जाएंगे बस, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं जाएंगे। 3K स्पेशल है। देखिए दोस्तों जाना तो आगे था, लेकिन अभी हो चुका है एक सीन, अभी गिर चुका है कुलदीप जी का फोन, तो उसको ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाता है तो जाएंगे, नहीं तो फिर वापस घर जाएंगे, तगड़ा ही नुकसान हो चुका है। दोस्तों फोन हो चुका है गुम, अब फोन ढूंढने के लिए पूरी जंग लगी है। ये देखिए इसको इतना भी याद नहीं है ना कहाँ डाल दिया इसने फोन, कहीं भी याद नहीं है बंदे को कि इधर रखा है किधर रखा है फोन, सारा प्रोग्राम मिस कर दिया। तो दोस्तों फोन मिल चुका है अभी, इधर रह गया था जहाँ फोटो शूट कर रहे थे इधर। तो वो देखिए वो पीक दिख रही है जो वाली, ये पाप और पुण्य की चोटी, और पाप की हमेशा ऊपर रहती है और पुण्य की नीचे। और अभी देखिए पीर पंजाल रेंज सारी। और कुलदीप जी दिल की धड़कनें रुकी थी क्या आपकी? कुलदीप जी को अटैक आ गया था थोड़ी देर पहले, अगर फोन ना मिलता तो कुलदीप जी क्या पता चल बचते, आज हमारे बीच में ना होते कुलदीप जी। ओ सर
ऐसी है, 10 रुपए की चीज है जो मैं बहन के चला जाता है। तू तो दोस्तों पहाड़ों पे घूमने गए और मैगी ना बनाई तो फिर मजा नहीं आता है, तो मैगी बनने के लिए तैयार है। ये देखिए कैसे बैठे खाने के लिए, पहले ही तैयार। क्या लोगे यार, कसम में काम करके थोड़ा भी है, शर्म कर लो यार, मैगी बनाओ। तो अब मैगी बनाते हैं, तब तक आप भी एंजॉय लीजिए नज़ारों का, हम मिलते हैं फिर। तो दोस्तों ये देखिए मैगी बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए अल्टीमेट चीज़ है हमारे पास, स्टोव है। और ये देखिए सामने की खूबसूरत वादियाँ, आहा, अब बनाएंगे हम सेवा चाय। ये देखिए अल्टीमेट है गैस ये वाली, ये देखिए। और एक फोन, ये देखिए यहाँ फोटोशूट चला है साथ में। तो ये देखिए दोस्तों फ्राई में मैगी चल रही है। और ये देखिए अनमोल भाई कैसी बनी है, बहुत अच्छी बनी भाई। कुलदीप दे दोगे आप, काफी अच्छी है। नहीं भाई मिलेगी बराबर। मिलेगी बराबर, ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो अभी लंच हो रहा है हमारा अकींदर धार में, तो करते हैं लंच फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अब चाय बन चुकी है और अल्टीमेट नज़ारा है सामने का, और मौसम भी अभी तो साफ हो चुका है, नहीं तो थोड़ा खतरनाक हो चुका था इस साइड। दोस्तों यहाँ पर चली है गलगल पाल्टी, ये देखिए चीनी के साथ अल्टीमेट मजा। हाँ भाई सर्दी जुकाम एक मिनट में खलास, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो दोस्तों अकींदर धार में एंजॉय करके अब निकल पड़े हैं हम घर की ओर, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बड़ा बुरा हाल है कसम से। और सबका तहे दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, आपकी बदौलत है सब कुछ जो कुछ है। तो चलते हैं अब आगे आगे। ये देखिए दोस्तों तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और एक और नज़ारा देख लिए लीजिए सामने का खूबसूरत नज़ारा है अल्टीमेट। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों तो ये पानी का स्रोत है, नीचे से आते कुआं टाइप है, और ये जगह है कुंडाला नामक एक जगह अकींदे से थोड़ा सा पीछे। और यहाँ पर पानी का और कोई स्रोत नहीं है दोस्तों, यहाँ से पानी निकालते हैं लोग इस छोटे से कुएं से, और ये कभी ख़त्म नहीं होता है जितनी भी गर्मी पड़ जाए। और नज़ारा देखिए एक बार, खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए दोस्तों तो हम पहुँच चुके हैं गड़ू में, और ये एक चीज़ दिखाते हैं हम आपको अल्टीमेट, ये देखिए देखे छोटे छोटे भेड़ है यहाँ पे, बता दिया इनको कि भाई कोई जंगली भैंसा भूसा खा ना जाए। तो मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली घर, और काफी अच्छा सफर रहा और काफी अच्छा ट्रैक रहा, काफी ज्यादा एंजॉय किया। बीच में फोन चला गया था, उसकी थोड़ी टेंशन पड़ गई थी, लेकिन मिल गया फोन भी और सब कुछ हो गया। तो इस वीडियो करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो करना लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और आने वाले ब्लॉग करने के लिए तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।